ये है जानू जंक्शन। नमस्कार, आज है 25 जुलाई 2022। मैं हूं क्षितिज और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पर हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने नवनिर्वाचित द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला और देश का चौथा मरीज मिला। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,866 नए मामले, 41 लोगों की मौत, एक्टिव केस 1.5 लाख। भोपाल में रेलवे ट्रैक पर बीटेक स्टूडेंट का शव मिला। बंगाल में बच्ची को डांटने पर टीचर की पिटाई। घर वालों ने महिला टीचर को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा। अब समाचार विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने आज नवनिर्वाचित द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इससे पूर्व आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्र के नाम पहले संबोधन में कहा, मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति हूं जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना पहला संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने सभी देशवासियों का आभार जताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं। आपका मत करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति पद पर पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के हर गरीब की उपलब्धि है। मेरा राष्ट्रपति चुना जाना इस बात का प्रमाण है कि भारत में गरीब न केवल सपने देख सकते हैं बल्कि उन सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। देश में मंकी पॉक्स का चौथा केस मिला। दिल्ली में मरीज की उम्र 34 साल है। उसे LNJP हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है। 5 दिन तक उसमें बुखार के साथ दर्दनाक घाव देखे गए थे। उसने हाल में विदेश यात्रा नहीं की है, लेकिन कुछ दिन पहले वो मनाली गया था। इससे पहले के 3 मरीज केरल में मिले थे। तेलंगाना में कुवैत से लौटे 40 साल के एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,866 नए मामले सामने आए। पिछले एक दिन में कोरोना के 18,148 मरीज ठीक हुए हैं और 41 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,866 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या अभी 1,50,877 है। इस तरह सक्रिय मामले कुल मामलों का 0.34% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दैनिक सकारात्मक दर यानी डेली पॉजिटिविटी रेट 7.03% और साप्ताहिक सकारात्मक दर यानी वीकली पॉजिटिविटी रेट 4.49% है, जबकि कोरोना से ठीक हुए मरीजों की दर यानी रिकवरी रेट वर्तमान में 98.46% है। भोपाल के नर्मदापुरम रेलवे ट्रैक पर रविवार रात बीटेक स्टूडेंट का शव मिला है। घटनास्थल मिडघाट बरखेड़ा के पास उसकी स्कूटी और मोबाइल भी पुलिस को मिली है। इसी रात स्टूडेंट की इंस्टाग्राम आईडी से उसके पिता और दोस्तों के व्हाट्सएप पर एक स्क्रीनशॉट आया। इस पर स्टूडेंट की फ़ोटो है। इस फोटो पर लिखा है, गुस्ताख है नबी की एक ही सज़ा, सिर तन से जुदा। इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। टीटी नगर TI चैन सिंह रघुवंशी ने बताया, मूलतः सिवनी मालवा निवासी निशांक राठौर पुत्र उमा शंकर राठौर भोपाल के ओरिएंटल कॉलेज में बीटेक 5th semester का स्टूडेंट था। प्रारंभिक जांच में मामला सुसाइड का लग रहा है। मृतक युवक निशांक रविवार दोपहर 3 बजे भोपाल के साकेत नगर परीक्षा केंद्र में एग्जाम देने आई बड़ी बहन से मिलने निकला था। यह बात उसने अपने चचेरे भाई शशांक को बताई थी। रात 8 बजे उसके पिता और दोस्त के पास उसके मोबाइल से उसका फोटो लगा मैसेज आया। मैसेज पढ़कर घबराए पिता ने बेटे के दोस्तों को फोन किया। दोस्त राज चचेरे भाई शशांक ने टीटी नगर थाने पहुंचकर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। तब तक रायसेन पुलिस उसका शव पर खेड़ा इलाके के रेलवे ट्रैक से बरामद कर चुकी थी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में बच्ची को डांटने पर एक महिला टीचर को विशेष समुदाय के लोगों ने निर्वस्त्र कर पीटा। पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जबकि 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि छात्रा अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखती है। घटना हिली थाना क्षेत्र में त्रिमोहिनी प्रताप चंद्र हाई स्कूल की बताई जा रही है।
यहाँ छात्रा कक्षा 9 में पढ़ती है। जानकारी मिली है कि 3 दिन पहले स्कूल में टीचर ने बच्ची को किसी बात पर डांट दिया था। अगले दिन छात्रा के घर वाले कुछ साथियों के साथ स्कूल में घुस गए, टीचर से अभद्रता की। विरोध करने पर महिला को निर्वस्त्र कर दिया और जमकर पीटा। इस मामले में पीड़ित महिला टीचर ने कहा कि छात्रा को अनुशासन में रखने के लिए उसके कान खींचकर डांट दिया था। महिला टीचर के साथ हुई बदसलूकी की वजह से स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए जानो जंक्शन पे न्यूज़ रेल।